आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस कैटेगरी नंबर 2। पिछले वीडियो में कैटेगरी नंबर 1 के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी नंबर 2 के बारे में जानेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी नंबर 2। इसके वाक्यों की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान क्या होती है। इनके वाक्यों की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में पास था, भाई बहन दोस्त थे आदि आते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे दो भाई थे, मेरे तीन बहनें थी, मेरे चार दोस्त थे। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आते हैं वो आते हैं सिंपल पास सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज में ली जाती है। सिंपल पास सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है, वो है हेड। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि हेड का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही हेड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इनमें से केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हेड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट हैव, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला वो सेम ही है जो हमारे प्रेजेंट में था। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में जो फॉर्मूला था वो सेम ही फॉर्मूला इसमें, और जो पास्ट सिंपल की नंबर वन कैटेगरी में था वही फॉर्मूला इसी में। सेंटेंस बनने का फॉर्मूला वही रहता है, केवल हेल्पिंग वगैरह चेंज हो जाती है। राम के पास एक किताब थी, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट राम, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड, राम हेड ए बुक। अब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं कि राम के पास ये किताब नहीं थी, राम डिड नॉट हैव ए बुक। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो हम लिखेंगे राम डिड नॉट हैव ए बुक। नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव, क्या राम के पास एक किताब थी, डिड राम हैव ए बुक। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं होता तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड राम हैव ए बुक। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। जैसे राम के, क्या राम के पास एक किताब नहीं थी, डिड राम नॉट हैव ए बुक। इसका हम एक डब्ल्यू एच फैमिली के साथ देखते हैं, वाई डिड राम नॉट हैव बुक, राम के पास एक किताब क्यों नहीं थी। क्यों के लिए, क्यों का एक सेंस आया तो उसके लिए हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वाई यूज करते हैं, वाई डिड राम नॉट हैव ए बुक। तो इस प्रकार से पास्ट सेंटेंस के कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को बनाया जाता है। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, मेरे दो भाई थे। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये कि आई हैड टू ब्रदर्स। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मेरे दो भाई नहीं थे, आई डिड नॉट हैव टू ब्रदर्स। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड आई हैव टू ब्रदर्स। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। अब इसका डब्ल्यू एच फैमिली के साथ भी एक वर्ड देख लेते हैं, जैसे मेरे कितने भाई थे, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड आई हैव। यहाँ पर एक सोचने वाली या समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट लिखा हुआ है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड आई हैव, तो यहाँ पर ब्रदर्स पहले क्यों आए, जबकि यहाँ पर तो मेरे सब्जेक्ट नहीं। इसमें होता है कि हमारा हिंदी का जो सेंटेंस बनेगा वैसे बनेगा कि मेरे कितने भाई थे, कितने भाई, कितने भाई, ये दोनों साथ में मिलकर आते हैं, तो इसीलिए इसके साथ में कॉम्बिनेशन वर्ड का यूज करते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स मतलब कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड आई हैव। तो ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार से जितने भी आप सेंटेंस बना सकते हो उन सेंटेंस को बनाकर इस प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।